नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL, इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है 20 जून 2024 से लेकर लगातार 19 जुलाई 2024 तक फॉर्म भरे जाने हैं। यानी कि इस बार विद्युत विभाग ने आपको 1 मंथ फॉर्म अप्लाई करने का जो टाइम है वो दिया है ना। तो आपको इस 1 मंथ के अंदर ही फॉर्म को अप्लाई करना है ना। क्योंकि आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी वैकेंसी हो, स्टार्टिंग में इसका जो साइट है वो सही तरीके से चलता है, और जैसे ही एंड में यदि आप सोचेंगे कि हमारे पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, हम लास्ट तक में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो जैसे ही लास्ट का 1 वीक या फिर 1 वीक से आप 4 से 5 दिन ले लीजिए, जब इतना समय बचता है तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, कभी सर्वर की प्रॉब्लम आती है ना, नेटवर्क की इशू आती है, तो फॉर्म भरने में बहुत काफ़ी दिक्कतें आने लगती है ना। तो समय रहते फॉर्म को आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो आज के इस इवेंट में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप करके है ना आपको भरना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप ना डाल दें जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस हो, है ना। ध्यान दीजिएगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने फॉर्म को करेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम अपने इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जाइएगा क्रोम ब्राउजर में। आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में जाकर के आपको लिखना है BSPHCL, है ना। जैसे BSPHCL लिखेंगे आप इस कर्सर को देखते जाइएगा, है ना, यहाँ पर लिखा है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे टॉप वाली जो वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट को क्लिक कीजिए, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे देखिए, ये जो कर्सर चल रही है इसको देखिए, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, है ना, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, यानी कि एक आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, है ना, इनके वेबसाइट पर अपने आप को लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन करने के लिए आप नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए इसमें 4 से 5 पोस्ट पर वैकेंसी है ना। तो यदि आपको ITI के तहत अपने टेक्नीशियन Grade 3 के पदों पर फॉर्म को अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2024 लिखा हुआ है। अगर चाहें तो क्लिक हेयर करके यहाँ से इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। फिलहाल हम अभी नोटिफिकेशन को टारगेट नहीं करेंगे। यदि आप अपने आप को फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आप सबसे नीचे टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, है ना, इस क्लिक हेयर को जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लोडिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत लेगा, है ना, जिस प्रकार से आपका नेटवर्क रहेगा उसके हिसाब से फटाफट लोडिंग हो जाती है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, आपको यहाँ पर क्लोज करना होगा, है ना, फिर कुछ कॉन्सेंट्स आते हैं, इसको एग्री करना होगा। जैसे ही आप अपने आप को एग्री करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने का, है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। अब न्यू रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना होगा, है ना, यहाँ पर आपको मिडिल नेम डालना होगा और यहाँ पर लास्ट नेम। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम है विजय सिंह, है ना, तो मैं लिखूँगा यहाँ फर्स्ट नेम में विजय और लास्ट नेम में लिखूँगा सिंह। अगर मैं विजय कुमार सिंह लिखता तो विजय फर्स्ट में, मिडिल नेम कुमार हो जाता और लास्ट नेम हो जाता हमारा कैंडिडेट लास्ट नेम सिंह, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाम को डालना है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो नोट वाली ऑप्शन दिख रही है आपको, इसमें लिखा हुआ कि प्लीज इंटर योर नेम एज पर योर सर्टिफिकेट मार्कशीट, है ना, ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th SSC, यानी कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट है उसमें जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, नाम लिखना है। अब इसके बाद नीचे आइएगा,
यहाँ पर लिखा है हैव यू एवर चेंज नेम, यदि आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया होगा तो आपको यहाँ पर एस करना है, अन्यथा आपको इस प्रकार से नो पे क्लिक कर देना है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ पे आइएगा, यहाँ पे कैलेंडर है, देखिए आप यहाँ पे चूज कर लीजिए अपना क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा, और यहाँ पर एज भी आपका आ जाएगा कि आपका एज कितना हो चुका है ना, साल दिन और महीना सब कुछ यहाँ पर दिखने लगेगा। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा अपना, ये देखिए ये जेंडर का ऑप्शन है, मेल या फीमेल है। फिर मोबाइल नंबर, याद रखिएगा बिल्कुल जीता जागता आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, है ना, और वो मोबाइल नंबर अभी आपके मोबाइल में वो एक्टिव हो, क्योंकि इसमें एक अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आने वाला है, इसलिए मोबाइल नंबर बिल्कुल दोस्तों सही मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक। फिर ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी भी वैसे ही होना चाहिए जो आपके मोबाइल में अभी एक्टिव है, उस ईमेल आईडी पर भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगी, है ना। जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे फिर कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, इसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करेंगे थोड़ा सा समय लेगा, ओटीपी आ जाएगी आपके टेक्स्ट मैसेज, है ना, मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज होता है उसमें आ जाएगी, और आपका ईमेल पे भी आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है आई एग्री, आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ये जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा डाल करके यहाँ पे रीवेरीफाई कर देना है। जैसे आप रीवेरीफाई कर देंगे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इनके साइट पर, है ना। यदि आप फर्स्ट टाइम नहीं आपने रजिस्टर्ड अपने आप को कर रखा है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर वापस जाना होगा, लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन वाले इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचाएंगे। इस प्रकार से आपका एक पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑफ बीएसपीसीएल 2024 एप्लीकेशन डिटेल्स, है ना। इसके बाद आप एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिल किया था डाटा वो सब डाटा यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आप आएंगे पोस्ट डिटेल्स पे, पोस्ट डिटेल्स पे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, है ना, क्लिक करते ही थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको वेट करना होगा, 2 से 5 सेकंड में ये लोडिंग कंप्लीट हो जाती है ना। जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट होगी इसके बाद देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ गया, ये है देखिए एक नया पेज। ये जो आपका मेन फॉर्म है ना यहीं से आपको सारा डाटा फिल करना होगा, जैसे कि देखिए पर्सनल डिटेल्स हो गया, एडिशनल डिटेल्स हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट, है ना। टोटल 5 फेज में आपको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले अपना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है ना, एप्लीकेशन नंबर डालना है जो मतलब यूजर आईडी नंबर, फिर कैंडिडेट नेम, ये सब कुछ फिल हो करके ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ से फिल करना होगा, है ना। मैरिड स्टेटस, अगर आपने आपकी शादी हो गई होगी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा मैरिड, अगर हो गई है तो मैरिड लिखिएगा, अन्यथा अनमैरिड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फादर नेम, है ना, फिर मदर नेम आपको फिल करना होगा, और अपना आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तो आपने पहले ही डाल रखा है इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों सबसे मेन पॉइंट आता है कि पोस्ट अप्लाइड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 5 पोस्ट है ना, अपन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ जाएगा, है ना, रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पर शो हो रही है 5/2024। फिर इसके बाद आपको कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा, नेशनलिटी इंडियन है तो यहाँ पर टिक कीजिएगा, है ना, और यू आर डोमिसाइल बिहार के हैं तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर नो करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर देखिए अदर डोमिसाइल स्टेट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप किस स्टेट से हैं, है ना, जैसे कि मैं दिल्ली NCR डाल देता हूँ, दिल्ली NCR डाल दिया। अब यहाँ पर जो आपको रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी आ रही है ना, रिजर्वेशन कैटेगरी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरल यानी कि UR का ऑप्शन आएगा, UR के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर UR डोमिसाइल ऑफ बिहार में यस करेंगे यानी कि आप बिहार के निवासी हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि बैकवर्ड हो गया, है ना, एक्सटर्नल बैकवर्ड हो गया,
ईबीसी जो होता है, और फिर एसटीएससी हो गया, ठीक है। बिहार में देखिए क्या होता है कि जो ओबीसी होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि एक है बीसी और एक है ईबीसी, है ना। आते हैं तो दोनों ओबीसी में हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, एसटीएससी है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, है ना। जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स लिखा हुआ है कि मार्क ऑफ विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं पर क्या कट मार्क है, क्या आँख के ऊपर है या फिर हाथों में है, कहीं कटे हुए का निशान है या फिर जले हुए का निशान है, जिस भी चीज़ का निशान होगा आपको यहाँ पर लिखना होगा, है ना। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रूफ के लिए आपके पास क्या है। सबसे पहले पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, है ना, आप इसमें से डालिएगा। ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है ना। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि पासपोर्ट नहीं है या फिर वोटर आईडी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो आप अदर वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आप अदर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको डालना होगा कि आपके पास क्या है। इसमें देखिए आप लिखिए आधार कार्ड, आधार कार्ड है तो फिर आधार कार्ड में आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर आप नाम डालिएगा। इसके बाद उस आधार कार्ड का यहाँ पर आपको नंबर डालना है ना। जैसे ही आप नंबर डालेंगे यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा और सेव इन नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो पर्सनल डिटेल्स आपका इस प्रकार से फिल करना है, और जैसे ही पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपन आते हैं एडिशनल डिटेल्स पे। इसके बाद आप आ जाएंगे एडिशनल डिटेल्स पे। एडिशनल डिटेल्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पर केवल और केवल, यहाँ पर देखिए, है ना, केवल और केवल तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं? पहला तो है आपका पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग है, अगर आप दिव्यांग हैं, है ना, पीडब्ल्यूबीडी है तो यहाँ पर एस कीजिएगा, अन्यथा आपको नो करना है। फिर डिपेंड ऑफ फ्रीडम फाइटर, है ना, अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा आपको नो करना है ना। और एडिशनल लैंडर लूजर, यानी कि विस्थापित वाले जो होते हैं ना, उनको यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आप विस्थापित वाले होंगे तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा आपको नो करना है, ठीक है ना। ये देखिए यस कीजिएगा, अन्यथा नो करना है, ऐसे करके आपको यहाँ पर इसको सेव इन नेक्स्ट करना है, ये देखिए। लेकिन एक बार सेव इन नेक्स्ट करने से पहले आपको यहाँ पर अपना प्रीव्यू कर लेना है, फॉर्म को चेक कर लेना है, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आना है और एड्रेस डालना है अपना। क्या डालना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोली जा रही है कि ये देखिए परमानेंट एड्रेस, है ना, परमानेंट एड्रेस में एड्रेस डालिएगा। यहाँ पर स्टेट वगैरह दिया है, फिर सिटी दिया है, इसके बाद सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद आपको पोस्टल अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इज परमानेंट एड्रेस एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंसी एड्रेस, अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो जो आपका यहाँ कॉरस्पॉन्डेंसी एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर नो करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है। फिल करने के बाद आपको सेव इन नेक्स्ट करना होगा, आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप थ्री स्टेप को कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर आपका चौथा स्टेप आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। मेरे भाई जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आएंगे तो आपका यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डालना होगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए नेम ऑफ बोर्ड, है ना, यहाँ पर अपने किस बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया है, फिर इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम डालना है। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज, यहां पर देखिएगा आप परसेंटेज और सीजीपीए और ग्रेस ऑफ मार्क्स, तीन ऑप्शन है ना। अगर आप सीजीपीए पे अपना देना चाहते हैं तो सीजीपीए करिएगा, परसेंटेज पे आप देना चाहते हैं नंबर तो परसेंटेज कीजिएगा, है ना, हम परसेंटेज पे ही चलेंगे। फिर आपका मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि टोटल आपने कितना मार्क्स यहाँ पर गेन किया था 10th में, है ना, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको डालना है कि टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज दिखा देगा। पासिंग ईयर किस वर्ष में आपने 10th कंप्लीट किया था, है ना, और सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, आपने फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन से आप कंप्लीट हुए हैं, आपको ये फिल करना होगा। जैसे ही आप 10th का इंफॉर्मेशन डालेंगे, अगर आप 10th के बाद जस्ट आईटीआई आपने किया होगा तो इस ये जो आपको इंटरमीडिएट 12th का डिटेल्स मांग रहा है इसको आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद 12वीं आपने कंप्लीट किया, 12वीं के बाद आईटीआई किया, तो आप 12वीं का डिटेल्स डालिए, है ना। जिस प्रकार से आपने 10वीं का डिटेल्स डाला था वैसे ही 12वीं का डिटेल्स डालना है।
फिर नीचे आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसका जिसके बेस पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं ना। यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालना है, 2 साल का ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना चाहिए, है ना। फिर यूनिवर्सिटी यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। फिर किस वर्ष में आपने इसको पास आउट किया है ना, ये कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर परसेंटेज, वही परसेंटेज की CGPA किस हिसाब से आप अपना मार्क्स यहाँ पर शो कराना चाहते हैं, है ना, फिल करना चाहते हैं, वो 3 ऑप्शन है आपके पास। फिर टोटल आपने कितना ITI में नंबर गेन किया है ना, पूरा यदि आपका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम हुआ है तो टोटल सेमेस्टर मिला करके, या फिर आपका अगर ईयर बाय ईयर एग्जाम हुआ है तो दोनों ईयर का मिला करके आपने कितना ऑब्टेंड किया है नंबर, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर इस वाले ऑप्शन पे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, है ना, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना परसेंटेज बन रहा है, और ये पर सर्टिफिकेट नंबर। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको ITI के सर्टिफिकेट पे नहीं मिलेगा, जो NTC सर्टिफिकेट मिलता है उस NTC सर्टिफिकेट में जो टॉप में आपका फोटो वगैरह या फिर QR रहता है उसके ऊपर जस्ट टॉप में सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वहाँ से आप सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। फिर अपना डिवीजन, फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन आपने कंप्लीट किया उसको डालने है ना। डालने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा रिव्यू करना है, ऐसे चेक कर लीजिएगा कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर कंपनी डिटेल्स, ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा, यहां पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है BSPSCL बिजली विभाग बोर्ड ने, क्योंकि यहां पर देखिए 3 प्रेफरेंस आपको भरना होगा। देखिए जो BSPSCL है इसका जो हम जोन कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, जोन कह सकते हैं, इसके कितने जोन है, है ना। तो देखिए नॉर्थ में भी इसका एक जोन है, जोन से अच्छा हम डिवीजन कह लें तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगी, है ना। इसके टोटल 3 डिवीजन है, पहला है नॉर्थ में, है ना, NB PDCL, फिर है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट जब ऑप्शन करेंगे तो 3 NB PDCL, सेकेंड है SB PDCL और थर्ड है BSPTCL, यानी कि 3 इसका डिवीजन है। आप किस डिवीजन में पहला प्रेफरेंस भरना चाहेंगे, यहाँ पर पहला फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने SB PDCL में भर दिया, और सेकेंड कंपनी आप कौन सा चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ वाला फिल कर दीजिए, और थर्ड में ये BSPTCL, यानी कि इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस, पहला यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, अगर यहाँ पर सीट नहीं बच रही है तो आपको NBCL यानी कि नॉर्थ में नौकरी मिल जाएगी, है ना, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगर उन दोनों में भी नहीं हो पा रहा है तो आपको इसमें मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस भरना है, ठीक। प्रेफरेंस भरने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट को करिएगा, जैसे आप करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। लास्ट फेज पर आप पहुँच चुके हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे ये एक पेज खुल जाएगा आपके सामने, और सबसे पहला बात बोल रहा है अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, क्लिक हेयर टू अपलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूं एक बार, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विथ वाइट बैकग्राउंड, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर में होना चाहिए फोटो, और फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में होना चाहिए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ व्हाइट। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 200 KB, 200 KB कम से कम, और मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। और इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी ध्यान से सुनिए। स्कैनर DPI शुड बी 200 DPI, है ना, तो ये इसका इंस्ट्रक्शन है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तभी आपका जो ये फोटो है ना ये अपलोड हो पाएगी। इसके बाद आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पर कैंडिडेट आपका नाम आ जाएगा, है ना, और कितना फीस लग रहा है वो फीस यहाँ पर आ जाएगी। देखिए एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी 1500 रुपये है, कितना है टोटल 1500। माना कि ये फीस दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा है, बट ये वैकेंसी बहुत अच्छी है ना, तो एक बार थोड़ा सा दोस्तों दिल मजबूत करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। मैं मानता हूं, है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत ज्यादा महंगा फीस है, इतना फीस नहीं होना चाहिए। UPPCL का भी फीस इतना नहीं होता, है ना, 1000 ही होता है, 1000 ही होता है, लेकिन इसका 1500 रुपए है, ठीक है। बट ये अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए है ना, और अनरिजर्व वाले कैंडिडेट के लिए जिसको रिजर्वेशन मिलता है उनका फीस इतना नहीं है, है ना। तो पेमेंट डिटेल्स यहां पर देखिए, पेमेंट मोड जो है यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रही है ना, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है,
लेकिन पेमेंट करने का ऑप्शन देखिए, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, है ना, इन सभी के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सभी को टिक मार्क करना होगा आपको, ये बोला जा रहा है कि आप सभी को एग्री करते हैं, है ना, ऐसे आप टिक मार्क कर दीजिएगा। टिक मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आप देखना चाहते हैं तो रिव्यू करिएगा, है ना, जितना फॉर्म आपने फिल किया है सभी ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म को ऐसे आपको सबमिट करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल का एक सक्सेसफुल दिखाएगा आपको डिस्प्ले पे, और आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी जाएगा कि BSPSCL में आपने फॉर्म जो अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है ना। तो ये पूरा इसका एक सिनेरियो था, ये पूरा ये जो हमारा इवेंट है, इस इवेंट में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना सीख चुके हैं, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा, है ना। वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जितने भी विद्यार्थी फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, उन गलतियों से वो बच सकें और सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करें, और जो है उनका जो ड्रीम है, उनका जो सपना है बिहार के विद्युत विभाग में नौकरी करने का, उनके ड्रीम, उनके सपने पर किसी भी प्रकार का कोई आँच ना आने पाए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि तैयारी बेशक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो उस तैयारी, जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो फिर ये सपना आपका यहां पर साकार नहीं हो पाएगा, है ना। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।